दिल्ली वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में रात 3 बजे के करीब आग लगने से कुल 21 लोग जख्मी हुए हैं। 10 घंटों के दरमियान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में ट्रेन में आग लगने का यह दूसरा मामला सामने आया है। ये ट्रेन दिल्ली से बिहार के सहरसा जिले को जा रही थी और उत्तर प्रदेश के इटावा रेलवे स्टेशन के करीब लोगों ने ट्रेन के बोगी नंबर 6 से धुआं निकलता देखा और ट्रेन के रुकने तक काफी ज्यादा आग बढ़ गई थी। कई लोगों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई है और इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और कुल 21 लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें जिले के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। हो जाएगा नहीं वो जाने का बनाए रहना फोन कर दिया है एड्रेस को भी कर दिया है तो हम कवर कर रहे हैं। आप बराबर लग रही पाइप और आगे बढ़ा लो लगा लो लगा लो पाइप लगा के बढ़ाओ आगे इसी में जुड़ जाएगा वो। अरे अंदर ले हटो 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 हट जाओ हट जाओ आराम से इससे इधर बैठो आराम से कोई दिक्कत नहीं परेशान हो अभी अरे कल जान बचो ठीक है इधर बैठ जाओ उधर किनारे किनारे ट्रैक जोड़ो ट्रैक जोड़ो ट्रैक छोड़ दो This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.